आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाला, विधि से संघर्षरत बालोपचार सहित उनके साथ देने वाले आरोपी चढ़े जांजगीर पुलिस के हत्थे। दिनांक 9/4/2024 को रात्रि अपने परिवार सहित सोई थी। सुबह उसके परिवार वाले देखे तो नाबालिग बालिका घर में नहीं थी। आसपास रिश्तेदारों में पता किया तो पता नहीं चला कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसला कर ले गया, कि रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। बालिका दिनांक 19/11/2023 को ग्राम पेंड्री में ले देखने गई थी, जहां विधि से संघर्षरत बालोपचारी मिला था। दोनों में जान पहचान होने से मोबाइल में बातचीत करता था और प्रेम जाल में फंसाकर शादी करूंगा कहकर जबरदस्ती दैहिक शोषण किया। दिनांक 9/4/2024 को रात्रि में अपने साथ अपने बुलेट मोटरसाइकिल को बिठाकर अपने घर लाया, जहां पर उसके रिश्तेदार के द्वारा अपहाता को नाबालिग होने से घर छोड़ने कहने पर वे अपने साथ अपने अन्य रिश्तेदार देवेश कश्यप के घर में रखा था, जहाँ इस बात को विधि से संघर्षरत बालोपचार के रिश्तेदार देवेश कश्यप, खगेश्वरी कश्यप, गंगोत्री कश्यप एवं हीरालाल कश्यप जानते थे। विधि से संघर्षरत बालोपचारी द्वारा घटना में प्रयुक्त बुलेट को पेश करने पर बरामद किया गया, जब तक कि विवेचना कार्यवाही में पाया गया कि विधि विरुद्ध संघर्षरत बालोपचारी के द्वारा अपहता को दिनांक 9/4/2024 को बहला फुसला कर भगा कर अपने रिश्तेदार के घर ग्राम जरवा ले गया था, तथा पूर्व में 9/2/2024 से जब तक पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार दैहिक शोषण करता तथा रिश्तेदार देवेश कश्यप, खगेश्वरी कश्यप, गंगोत्री कश्यप एवं हीरालाल कश्यप के द्वारा उक्त घटना में सहयोग करना पाए जाने से दिनांक 13/5/2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।